लेक्चर नंबर 4 जो क्या है टीज एंड माइक्रोब पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टीज। टीज क्या होता है? दांत जो हमारे मुंह में होते हैं उन्हें हम टीज कहते हैं। आमतौर पे टीज जो है हमें किसमें हेल्प करते हैं? हमें खाने को चबाने में और उसे काटने में तोड़ने में हेल्प करते हैं। जो भी खाना अच्छे से चबाया हुआ हो तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम चबाने के बगैर खाना निकल लेते हैं तो उन्हें डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। किस इंसान में किस वक्त मतलब कितने दांत पाए जाते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी एज पे। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक दांत भी नहीं होता है। जब वो 5-6 महीने का हो जाता है तो उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा जो है 2 से 3 साल का हो जाता है तो उसमें पूरे कितने 20 दांत ग्रो करते हैं जिन्हें हम प्राइमरी टीथ कहते हैं। इन दांतों को इन टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत भी कहते हैं या टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। जब बच्चा जो है 5-6 साल तक हो जाता है तो उसके वो मिल्क टीथ जो होते हैं जिन्हें हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। एक एक करके वो सारे गिर जाते हैं और उनकी जगह उसे नए दांत उगाते हैं। जब नए दांत उगते हैं तो उन्हें जो नए वाले दांत होते हैं उसके उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। एक एडल्ट जो होता है, एडल्ट ह्यूमन बींग जो है, उसमें 32 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ जिन्हें हम कहते हैं। जो परमानेंट टीथ 32 होते हैं, 16 जो होते हैं ऊपर वाले जबड़े में होते हैं और 16 नीचे वाले जिन्हें हम जाग कहते हैं, जबड़ा जो हमारे मुंह का होता है। हर एक इंसान में मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं। एक ही किस्म के दांत हर एक मतलब हमारे मुंह में एक ही किस्म के दांत नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म के 4 किस्म के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। सबसे पहले है इंसिजर्स या कटिंग की जिन्हें हम कहते हैं। इंसिजर कौन से टीथ होते हैं? जो हमारे सामने वाले 4 दांत होते हैं ऊपर के जबड़े में और नीचे की जबड़े में जो 4 दांत होते हैं आगे वाले उन्हें हम इंसिजर कहते हैं। ये इंसिजर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। और ये हमें किसमें हेल्प करते हैं? खाने को काटने में हेल्प करते हैं। जरूरी है क्योंकि खाने को